हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री व मंत्रियों के फेरबदल की अटकलों को विराम लगाते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयराम ठाकुर को हरी झंडी दे गए। जेपी नड्डा ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में ही होंगे, यहाँ तक कि हिमाचल में मंत्रिमंडल फेरबदल की भी जरूरत नहीं है। जेपी नड्डा शिमला में नगर निगम व विधानसभा की तैयारियों को लेकर सितंबर तक का एक लंबा कार्यक्रम भी संगठन व सरकार को दे गए। शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल में मंत्रिमंडल फेर बदल ना होने की बात कही। जेपी नड्डा शिमला में नगर निगम व विधानसभा की तैयारियों को लेकर सितंबर तक का एक लंबा कार्यक्रम भी संगठन व सरकार को दे गए। वहीं उत्तराखंड में हारे हुए धामी को मुख्यमंत्री बनाने जबकि प्रेम कुमार धूमल को 2017 में मुख्यमंत्री ना बनाए जाने के सवाल पर नड्डा ने कहा कि पार्टी गुणदोष के आधार पर फैसले लेती है। हालांकि आज धूमल के जन्मदिन पर उन्होंने बधाई जरूर दे दी। परिवारवाद को लेकर भी नड्डा ने साफ साफ जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लेती है। हिमाचल में मौजूदा विधायकों के टिकट काटने को लेकर पूछे गए एक सवाल पर नड्डा ने कहा कि भाजपा 10-15% टिकट काटती ही है। एक चीज को दूसरी चीज के साथ नहीं बना सकते, एक चीज को दूसरी चीज के साथ नहीं जोड़ सकते। और थोड़ा पार्टी हमको चलाने दीजिए ना, इतना तो छूट दे दीजिए। हार की जांच की बात कर रहे हैं कि जब उनकी जांच ठीक है, उनके साथ भी हमारी बातचीत है ना, ध्यान में रखा है, ध्यान में है सब कुछ। अनुराग ठाकुर नए सीएम होंगे, ऐसा है ना, मैंने कल कहा था ना, ये आपा खो बैठे हैं, तो इनसे आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं? ऐसी कोई इसकी कोई भी संभावना नहीं है। जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार अच्छी चल रही है, पूरी ताकत से चल रही है और आगे इनके ही नेतृत्व में सरकार चलेगी। 38 सीटें लड़ी थी, 2 पर जमानत बची गोवा में और 36 पर गई। 377 की सीट्स पर लड़े थे, 377 सीटों पर जमानत जब्त हुई। 70 में से 68 सीटों पर लड़े थे, 2 पर जमानत बची और 66 में जमानत गई। आप कोई किसी को गोवा जाने का मौका मिला हो, उत्तराखंड जाने का मौका मिला हो या यूपी जाने का मौका मिला हो, तो पोस्टर्स और बोर्डिंग से तो ऐसा लगता था कि पार्टी यहाँ यही है और कोई है ही नहीं। और ये आपको हिमाचल में भी आगे देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं इसका जवाब दे दूं प्रकाश जी, तो ये उनकी स्थिति रहती है। ठीक है, प्रजातंत्र है, मैं किसी को ना हम रोकते हैं ना करते हैं, विचारों की लड़ाई लड़ते हैं और विचारों की लड़ाई पर मुझे दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी से जहां उनका मुकाबला है और आने वाले समय में पंजाब में भी अब हमसे ही मुकाबला होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला। आर्मी की तरफ से नए सेशन की शुरुआत हो गई है, तो जो एडमिशन प्रोसेस है वो 1 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक हमारा चलेगा। इस बार एडमिशन के लिए हमने स्पॉट टेस्ट रखे हैं, जो किसी वर्किंग डे को आपके बच्चे जो हैं वो हमारे पास टेस्ट दे सकते हैं। और इसके साथ हमारे पास जो फैसिलिटीज़ रहेंगी वो बॉयज़ गर्ल्स के लिए हॉस्टल सेपरेट रहता है और साथ ही कुछ जो रूट्स हमारे ट्रांसपोर्ट के रहते हैं वो जो पुराने रूट्स सभी चल रहे हैं लेकिन उनके साथ कुछ नए रूट्स भी हम जोड़ रहे हैं, तो वो हमारी वेबसाइट पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जितना भी एडमिशन से रिलेटेड किसी के को क्वेरी हो तो हमारी वेबसाइट है minervaeducation.org, उसके ऊपर जाके अपनी क्वेरी देख सकते हैं। तो मैं सभी से आग्रह करूँगा कि जितना जल्दी हो सके अपने एडमिशन प्रोसेस को कम्प्लीट करवाएँ ताकि नया सेशन एकदम से हम पूरे टाइम पर शुरू कर